ERP, ये टेक्निक आपने सुनी होगी पहले भी, OCD के लिए ये सबसे पुरानी टेक्निक है, पुरानी टेक्निक है और सबसे पहले इसी का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी किया जाता है, आज भी किया जाता है। पहले इस टेक्निक के प्लस माइनस जान लेते हैं कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है और इससे रिजल्ट है वो इमीडिएट आते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे, इमीडिएट रिजल्ट इस टेक्निक के आते हैं। तो अब इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाते, छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हाई दिया जाता है, जो कि टुकड़ों में था उसमें टुकड़े नहीं होते, पूरी तरह से पूरा एक्सपोजर होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे रियल में किसी चीज़ से डर लगता है, जैसे अब जिनको गंदगी से रिलेटेड डर है तो उनको क्या करेंगे कि डस्टबिन में हाथ डाल दिए, पूरे सीधा एक्सपोजर सीधा करेंगे, हाथ डाल दिए, अब हाथ निकालने नहीं हैं, अब हाथ डाले रखने तब तक जब तक एंग्जाइटी ख़त्म ना हो जाए। ये पावरफुल है। तो आप देखिए, हाँ जी, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कि जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है ना उसी को ही तो प्रिवेंट करना है हमने। तो ये एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक है, ERP से बोलते हैं। तो आप देखिए कि जिसको कुत्ते से रिलेटेड फोबिया में भी यूज़ होता है, जिससे कुत्ते से रिलेटेड डर है, तो आप CDT में कुत्ते से रिलेटेड कैसे करेंगे कि कुत्ता आ रहा है, कुत्ता आ चुका है, कुत्ता मुझे टच कर रहा है, टच कर चुका है, मेरे पास बैठ रहा है, मैं कुत्ते को टच कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, सहला रहा हूँ, पास में धीरे धीरे करके लेके आएंगे ना। हाँ जी, हाँ 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 सर, ये इसी इसमें क्या करेंगे, कुत्ते से रिलेटेड कोई है तो इसमें कुत्ते के पास ही कमरे में बंद कर देते हैं, बस तू है और कुत्ता है, बस जब तक कुत्ते से दोस्ती ना हो जाए तो। हाँ जी, हाँ, इसमें आर पार की लड़ाई है, सीधी आर पार की लड़ाई करते हैं ERP वाले। तो इसी में इसके रिजल्ट आते हैं तो एकदम से आ जाएंगे, हाँ कुछ नहीं हो सकता, अब तो करना ही पड़ेगा, लास्ट ट्रिगर पॉइंट हाईएस्ट है, उसके साथ ही रख दिया बस। तो इसमें रिजल्ट आएंगे तो इमीडिएट आएंगे, नहीं आएंगे तो अगली बार सेशन में ही नहीं आता, हाँ छोड़ के जाएगा, ड्रॉप आउट इसमें सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, ये लास्ट थेरेपी नहीं है, ये एक थेरेपी है, इसका यूज करना है, आपने कर सकते हैं इसका यूज, लेकिन एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं डालेगा, तो उसके लिए अलग थेरेपी है, माइक्रो एक्सपोजर थेरेपी एक आएगी, उसको माइक्रो में कन्वर्ट करेंगे, इसके आगे फिर ब्रांचेज आती गई, तो उसको माइक्रो में कैसे करना, डॉक्टर वो उसके पास गए, थेरेपिस्ट के पास, तो उसको ना हाथ पे थूक रखवा दिया और बस उसको बैठा दिया, तो उसके बाद गए ही, उसके बाद वो किसी से बात करने से ही डरता है, उसकी मम्मी को मुझसे बात करवाने में 1 महीना लग गया, उसे कन्विंस करने में लड़के को मुझसे बात ही ना करना चाहिए। हाँ, प्लान वाइज नहीं चलते ये, जब भी हाँ कुछ प्रिवेयर तो ये कर देते हैं, लेकिन सीधा सिचुएशन में पूरा डालेंगे। अब जिसको पानी से फोबिया है, डर है, चल भी नहर में मार देते हैं छलांग मार देते हैं, पूरा छलांग मारो, हाँ अब देखिए कि अब टॉयलेट से घबराहट है, चलो टॉयलेट के पास रखो, टॉयलेट के ऊपर हाथ, बस सहन करो एंग्जाइटी को, जब तक घंटा एंग्जाइटी दूर नहीं होती तब तक करते रहो, जब घंटे आधे घंटे में एंग्जाइटी जीरो पर आ जाए फिर सेशन ख़त्म होता है इसमें। तो ये एक टेक्निक है, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज ऐसा नहीं है कि इसके लिए ट्रेंड काउंसलर की जरूरत पड़ती है, कि आपको पेशेंट को समझना होगा कि ड्रॉबैक हो सकता है, तो आपने मेंटली उसे प्रिपेयर करना होगा, तो इसके अंदर ये ज़रूरी है, इससे रिलेटेड ये सीधा आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, इसमें ये एक पेज दिया गया है वो निकाल लीजिए आप। फिर वक्त के साथ ज़माना बदल गया था, तो ERP की इसी दिक्कतों के कारण इसे मॉडिफाई कर दिया गया, ये दिक्कतें थी तो ERP की इसे मॉडिफाई भी किया गया,
तो अब ईआरपी मॉडिफाई आती है थेरेपी, सीधा ईआरपी का बहुत कम यूज़ होता है। तो इसमें क्या है कि इसको फिर ना पहले से जो कम ट्रिगर वाली चीज़ें हैं उनसे आमना सामना कराया जाता है। जैसे देखिए कि ये जर्म एंड ड्रग कंटेमिनेशन का एक उदाहरण है। इसके अंदर है ना पब्लिक रेस्ट रूम टॉयलेट से उसको एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस होता है 100, तो ये तो हाईएस्ट ट्रिगर हो गया उसका। ट्रिगर पॉइंट ही तो तैयार करना होता है इसमें, जैसे 0 से लेकर 100 तक वो सारे ऑब्जेक्ट लिखने होते हैं इसमें। जैसे पब्लिक टॉयलेट है वो 100 पर है तो यहाँ लिख देना है। जैसे कोई 90 वाला भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसे 90 नंबर एंग्जाइटी होती हो, उसके बाद थर्ड हो सकता है जिसे 80, इस तरह से 0 से 100 तक वो सारे लिखने होते हैं। वो सीट तैयार करनी है पहले, हैरार्की बोलते हैं इसे, एंग्जाइटी हैरार्की बोलते हैं, वो हैरार्की तैयार करनी होती है। वो हैरार्की तैयार करने के बाद फिर नीचे से शुरू करना है, जिस ट्रिगर पॉइंट से रिलेटेड 10 या 5 है तो उससे आमना सामना करना है, हो जाएगा इस बार तो सही, कोई दिक्कत नहीं, फिर लेवल बढ़ाते जाना है। तो इसमें इसको एक साथ मॉडिफाई में ये किया गया कि इसको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के साथ जोड़ा गया। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है कि जिसमें पूरे शरीर को सिस्टमेटिक रूप से रिलैक्स किया जाता है, माइंड को भी रिलैक्स किया जाता है। तो अब पहले इमेजिनरी किया जाता है कि आप जो मान लेते हैं कि 10 नंबर कौन से ट्रिगर पॉइंट से आपको एंग्जाइटी होती है वो आप एक बार तैयार कर लीजिए, फिर इनके कैसे समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। हाँ, आप तैयार कीजिए 100 से 10 तक आप तैयार कीजिए अपना एक हायरार्की। वर्षा जी आप भी कीजिए, आप भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कल को दिक्कत नहीं आएगी। अर्जुन के जीवन रथ सी जिंदगी हमारी है, कहीं अवसाद तो किसी का मन भारी है। कृष्ण सा साक्षात सारथी खोज रहा होगा आज, गौर करना महाभारत हर युग में जारी है, बिल्कुल आज भी जारी है। लेकिन सारथी हो जीवन में तो कल्याण हो सकता है, लेकिन सारथी कौन होगा, कैसा हो, किसे बनाए सारथी, आधुनिक समय की मांग क्या है। मानसिक उलझनों परेशानियों आपसी मतभेद वैवाहिक परेशानी व्यापारिक उलझनों तनाव चिंता डर फोबिया उदासी अपराध बोध ओसीडी डिप्रेशन आत्महत्या वाले विचार और आधुनिक जीवन की तमाम परेशानियों से निपटने का मार्ग है गीता थेरेपी। कैसे कृष्ण ने अर्जुन की सभी उलझनों का समाधान गीता से किया और कैसे कृष्ण की बातों को हम अपने जीवन में लागू करें, इसका भी मार्ग है गीता थेरेपी। आप गीता के माध्यम से मानसिक उलझनों का इलाज करना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं या खुद का मानसिक संतुलन बनाना चाहते हैं, तो हमारी 2 दिवसीय गीता थेरेपी की कार्यशाला में आइए। धन्यवाद।